मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ और लिखता हूँ 9 जावा स्क्रिप्ट, सेव करूँगा फाइल .html। html मैंने नॉर्मल सिंटेक्स लिखा, स्क्रिप्ट टैग मैं चालू कर दिया इधर, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्विच केस लिखूंगा। स्विच केस का सिंटेक्स कैसा होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। स्विच, मैं भूल रहा हूं क्या, ये है स्विच केस। कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे हम और यहां पे केस लिखेंगे। फिर केस लिख देंगे इस तरह से। आखिरी में हम चाहें तो डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, मैं डिफॉल्ट अभी नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देंगे एक्सप्रेशन। तो किस तरह का एक्सप्रेशन देंगे हम, ठीक वही एक्सप्रेशन देंगे जो एक्सप्रेशन हमने यहां दिया था। तो मैं वेरिएबल बना लेता हूं यहां पे, मंथ में डाल दिया 1 डाल दूंगा मैं अभी, और यहां पे मैं आ जाऊंगा month month। स्विच केस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इक्वालिटी को सिर्फ चेक करता है। केस यहां पे 1 लिखता हूं, अगर केस 1 से मैच करे तो क्या करो, console.log में आ जाओ और यहां पे लिख दो जनवरी प्रिंट कर दो जी। वही अगर केस 2 मैच करता है तो यहां पे लिख दो फरवरी। अगर केस 3 है तो लिख दो मार्च। अगर केस 4 है तो क्या करो, हम वैसे ही लिखते जाएंगे, मार्च कर दूंगा मैं यहां पे। तो यहां पे क्या होता है कि मैच करता है और सीधा जंप कर जाता है। तो कहा जाता है कि स्विच केसेस जो है else if की अपेक्षा फास्ट काम करता है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो 10 को मैं कर देता हूं पहले 1 करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, कॉपी फाइल पाथ करूंगा और यहां पे पेस्ट करूंगा। ये क्या बोल रहे हैं, अनकॉट, क्यों भाई, बात सही है, क्या कह रहे हैं, मैंने इसको पहले दे रखा है। रन करा, पूरा प्रिंट कर दिया, ये तो बहुत नाइंसाफी है, मजा नहीं आ रहा है। मार्च दो बार रिपीट कर रहा है, APRIL अप्रैल कर दिया मैं, ये पूरा रिपीट कर दिया। कंडीशन के मुताबिक तो सिर्फ केस 1 चलना चाहिए था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, BREAK ब्रेक, सभी में हम ब्रेक लगा देंगे ताकि जो लाइन मैच करे वो लाइन चले, उसके बाद ब्रेक कर जाए। आखिरी में कुछ है नहीं तो ब्रेक का कोई महत्व नहीं हुआ। अब इसे मैं रन करूंगा तो सिर्फ जनवरी आएगा। मैं यहां पे 2 लिख के एंटर मारूंगा तो सिर्फ फरवरी आएगा। तो इस तरह से स्विच केस काम करता है। मान लीजिए यहां पे मैंने दे दिया 20, अब तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो इनवैलिड के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू लिखा जाता है, डिफॉल्ट में क्या काम करेगा, हम बोल देंगे इनवैलिड console.log और यहां पे लिख देंगे invalid। अब हो सकता है invalid का स्पेलिंग गलत हो, तो invalid यहां पे आ जाएगा इस तरह से। तो स्विच केस इस तरह से हमारा काम करेगा। सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया, उसमें 20 असाइन कर दिया, फिर यहां पे वेरिएबल को पास कर दिया। अब स्विच केस क्या करेगा कि यहां पे मंथ में जो वैल्यू है उस वैल्यू को इन सभी केसेस से मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इन सभी केसेस से मैच करेगा।
और जो केसेस मैच हो जाएगा उसका स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 कहीं में है ही नहीं, तो डिफॉल्ट चला दिया इनवैलिड को। मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैंने आखिरी का ब्रेक हटा दिया था तो इनवैलिड भी आ गया, तो इसमें मैंने ब्रेक फिर से दे दूंगा तो अब नहीं आएगा। सेमी कॉलन लास्ट में देना यहाँ पे, ऑफ लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शनल है, एरर नहीं आएगा, मेरा आदत है इसलिए मैं दे देता हूँ। तो इस तरह से हमारा स्विच केसेस काम करता है। तो मुझे उम्मीद है इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होगा नहीं। अब आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग से भी मैच कर सकते हैं, जहां पे मैंने नंबर लिया है वहां पे स्ट्रिंग आप ले सकते हैं और यहाँ पे केस में स्ट्रिंग लिखेंगे आप तो भी ये काम करेगा वैसा ही। तो ये स्विच केसेस जो है हमारा एंड हो चुका।